मैं प्रकाशमणि दादी जी को तो बचपन से ही जानती थी। 1960 में मैं ज्ञान में आई और दादी प्रकाशमणि जी मुंबई में रहते थे। मुंबई में मैं तो इस नशे से कहूँगी कि दादी ही हमारी टीचर थी, क्योंकि गामदेवी सेंटर पर दादी बहुत समय तक रहे और हम भी गामदेवी सेंटर जाते थे। तो स्टूडेंट लाइफ थी, पढ़ाई करती थी और वहाँ से सेंटर से ही फिर मैं स्कूल जाती थी या सेंटर से कॉलेज जाती थी। तो दादी जी बहुत हमें प्यार करते थे और 1969 में बाबा के अव्यक्त होने के बाद दादी जी मधुबन में आ गए। तो हमने भी ये अनुभव किया कि कैसे दादी जी जहाँ मधुबन में है, हम भी एक दिन मधुबन में ही रहूं। तो ये इच्छा तो हमारी बहुत थी। और दादी जी बॉम्बे भी आते रहते थे, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन दीदी के संग दादी जी ने निभाया। तो जब दादी जी बॉम्बे आए थे 1970 में, मैं बॉम्बे में समर्पित होने के बाद बॉम्बे के सेवा केंद्र पर रही। तो जब दादी जी बॉम्बे आए, मैंने दादी जी को कहा, दादी जी मुझे बॉम्बे में नहीं रहना है, मुझे कहीं और भेजो, बेहद सेवा पर हमें भेजो। मुंबई की ही हूँ, यहीं जन्म लिया, यहीं पालना ली है, मुझे कहीं और जगह भेजो जहाँ मैं बेहद की सेवा कर सकूँ। तो दादी जी ने मेरे से पूछा, आप कहाँ जाना चाहती हो? मैंने कहा, दादी जहाँ इंग्लिश की सेवा हो, क्योंकि बचपन से इंग्लिश मीडियम स्कूल में मुंबई में पढ़े थे और बाबा का भी बहुत प्यार पाया था। बाबा भी हमें यही कहते थे, बच्ची तुम इंग्लिश में बहुत होशियार हो, बाबा तुमको विदेश भेजेगा। तो एक बार लक्ष्य तो था कि हम विदेश भी ज़रूर जाएं, लेकिन मैंने दादी को कहा कि दादी जी मुझे वहाँ भेजो जहाँ इंग्लिश की सेवा हो। तो दादी ने मुझे 1970 में बैंगलोर भेजा। मैं बैंगलोर में एक साल रही और एक साल खूब सेवा की बैंगलोर में, और विशेष इंग्लिश की तो इतनी सेवा नहीं थी, क्योंकि कन्नड़ा भाषा बोलते थे सभी, तो मैं कन्नड़ा सीख गई थी। लेकिन 71 में जब मैं मधुबन में आई तो दादी जी ने कहा, अभी तुमको बैंगलोर नहीं भेजना है, तुमको हम काठमांडू भेजेंगे। तो दादी जी ने मुझे काठमांडू भेजा राजबहन के पास, क्योंकि उस समय वहाँ बहुत बड़े एग्जीबिशन का आयोजन होने वाला था 71 में, और वहाँ उस समय बहुत फॉरेनर्स काठमांडू में आते थे। तो एग्जीबिशन में विशेष फॉरेनर्स को भी निमंत्रण तो होता ही था, इसीलिए दादी ने मुझे काठमांडू भेजा और मैं वहाँ पर सेवा कर किया लगभग एक साल। और एक साल के बाद जब मैं वापस मधुबन आई तो दादी ने कहा, अभी काठमांडू में सेवा करने की ज़रूरत नहीं है, अभी तो वहाँ सेंटर स्थापित हो गया है, अब आप हैदराबाद जाओ, क्योंकि हैदराबाद में कुलदीप बेन के लौकिक माता पिता वो आए थे मधुबन और एक इंग्लिश स्पीकिंग हैंड की डिमांड की, क्योंकि जहाँ हैदराबाद में सेवा केंद्र वो स्थापित कर रहे थे वो इंग्लिश लोग ज़्यादा थे, इसलिए दादी जी ने मुझे हैदराबाद भेजा। तो वहाँ थोड़ी बहुत इंग्लिश की हमें सेवा मिली, लेकिन फिर भी तेलुगु भाषा ज़्यादा थी तो वो थोड़ी बहुत हमने सीख ली। फिर जब मैं मधुबन आई 74 में, तो दादी जी ने कहा कि अभी आपको हैदराबाद नहीं जाना है, आप सीधा बॉम्बे जाओ और बॉम्बे में आपको पासपोर्ट बनाना है और अफ्रीका की सेवा पर आपको जाना है। तो देखो कहाँ हम पहले भारत में रहे, दादी जी का बहुत ध्यान रहता था हमारे ऊपर, और फिर दादी जी ने मुझे मुंबई भेजा जहाँ पासपोर्ट बनाया, और उसी समय अफ्रीका का निमंत्रण मिला और वेदांती बहन और हम दोनों अफ्रीका गए। तो हम देखते हैं कि दादी जी का इतना प्यार था हमारे ऊपर जो बात मत पूछो। दादी जी का बहुत विश्वास भी था, ये जहाँ जाएगी वहाँ बहुत सेवा करेगी, सेंटर को अच्छा स्थापित करेगी, क्योंकि अफ्रीका में हमने वैसे ही किया, फिर मॉरिशस में भी आए, और फिर जब
76 में दादी जी ने हमें मधुबन में बुलाया, क्योंकि मधुबन में फॉरेनर्स बहुत आ रहे थे, तो फॉरेनर्स की सेवा करने अर्थ मुझे दादी जी ने मॉरिशस से बुलाया, क्योंकि अनुभव तो हो चुका था विदेश में रहने का, और कहा कि अभी मधुबन में बहुत फॉरेनर्स आएंगे, आपको यहाँ सेवा करनी है। तो 1976 से मैं मधुबन में हूँ दादी जी के कहने पर। लेकिन जैसे मैं मधुबन में रहना शुरू किया, तो उसके बाद गयाना से निमंत्रण आया, क्योंकि गयाना में 76 में सेवा केंद्र खुल चुका था, तो उनको एक इंग्लिश स्पीकिंग हैंड की ज़रूरत थी। तो दादी जानकी ने लंदन से कहा कि हमको शिलू बहन दो तो कि ताकि हम उनको गयाना भेजें। पर बड़ी दादी दादी प्रकाशमणि ने कहा नहीं, वो तो यहीं रहेगी और यहाँ ही उनकी सेवा है। तो इस प्रकार गयाना तो हम नहीं गए, लेकिन मधुबन में रहे। तो जब हम दादी जी से मिलते थे, तो दादी जी को एक दिन मैंने कहा, दादी जी मैं यहाँ मधुबन में सेवा तो करती हूँ, लेकिन मैं और क्या विशेष ध्यान दूँ, क्योंकि दीदी जी तो मुझे सुनाते थे, लेकिन दादी जी से हमने कभी नहीं पूछा था। तो दादी जी ने मुझे बहुत सुंदर बात कही। दादी ने मुझे कहा कि शिलू तुम टीचर तो बहुत अच्छी हो, बहुत ज्ञान अच्छा सुनाती हो, बहुत अच्छे लेक्चर देती हो, बहुत लोग प्रभावित होते हैं, विदेशी भी बहुत खुश होते हैं, लेकिन अभी एक काम तुमको और करना है। तो मैंने कहा दीदी आप बताएं। तो दादी आप बताएं। तो दादी जी की ये विशेषता थी, किसी की भी कमी कमजोरी सीधा नहीं बोलते थे, तो घुमा फुरा करके पहले तो बहुत महिमा करती थी, फिर जब वो कहते थे नहीं दादी आप बताएं, तो मैंने भी ऐसे ही कहा दादी आपने महिमा तो बहुत की, परंतु मेरी कोई कमी कमजोरी हो वो भी बताओ। तो दादी जी ने फिर कहा कि देखो तुमको ना अभी टीचर तो अच्छी हो, लेकिन अभी तुमको एक माँ की तरह पालना देनी है, क्योंकि ये डबल विदेशी आते हैं, उनको इस प्रकार की पालना चाहिए, बहुत प्यार चाहिए उनको, और जितना आप उनको उस प्रकार का प्यार देंगे, बाबा के तरफ ले जाएंगे, तो ये बाबा के पक्के बच्चे बन जाएंगे। क्योंकि मैं विदेशियों के साथ ही रहती थी, ट्रांसलेशन करना, ज्ञान सुनाना, क्लासेस कराना, यही मेरा पार्ट था मधुबन में। तो कैसे विदेशियों की सेवा करनी है और उनको बाबा के इतना नज़दीक लाना है, ये दादी जी ने हमें सिखाया। और मधुबन में रह करके छोटी छोटी बातें से हम दादी से बहुत सीखते थे, कैसे दादी कितनी उपराम है, कितनी न्यारी भी है और कितनी प्यारी भी है, दीदी के आगे कैसे दादी इतना रिस्पेक्ट देती थी जो बात मत पूछो, और दीदी दादी को इतना रिस्पेक्ट देती थी जो बात मत पूछो। दादी दीदी जी को कहती थी जी दीदी, और दादी जब कुछ दीदी को कही तो दीदी कहती थी जी दादी। तो जैसे हम तो यही देखते थे कैसे दादी और दीदी दो हंसों का जोड़ा थे, लेकिन दो शरीर होते भी जैसे एक आत्मा थी। हम कोई भी बात ऐसे नहीं कि दादी ने नहीं माना और दीदी ने मान लिया, ऐसे नहीं। अगर दादी नहीं मानती थी तो दीदी भी नहीं मानती थी, और अगर दीदी कोई बात मानती थी तो दादी कभी नहीं उसको नकारती थी, क्योंकि दीदी ने कहा है ठीक है। तो इतना एक दो के प्रति रिस्पेक्ट था, वो हमने दादी और दीदी में मधुबन में देखा। कैसे दादी जी अथक सेवाधारी थी, रात्रि 10 बजे भी हम लोग दादी के कमरे में जाते थे, उस समय दादी मुरली पढ़ती थी, और हम सबको जैसे एक छोटा सा गीता पाठशाला दादी के वहाँ कमरे में ही खुल जाता था। हम कुछ बहनें रात को दादी के पास जाते थे और दादी से कुछ मुरली सुनते थे, फिर हम दादी को कुछ सुनाते थे, और कैसे दादी सुनते 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 बाबा की याद में, बाबा की गोद में विश्राम हो जाती थी। तो हम देखते थे दादी को नींद भी इतनी अच्छी आती, इतनी सहज आ जाती है, इतनी निश्चिंत है दादी। तो ये दादी जी की निश्चिंतता भी देखते थे, और दादी जी का जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो भी ज़बरदस्त था,
ऐसे एक एक पर ध्यान देना, जितना दीदी देती थी उतना ही दादी जी भी एक एक पर ध्यान देती थी। दादी जी तो वैसे भी पूरा ध्यान देती थी, किचन में क्या खाना बनाना है वो भी दादी देखती थी। बड़ी दीदी तो जो पार्टियाँ आती थी उनका ध्यान रखती थी, सौगात देना, गोसुन कमसुन की टोली देना, लेकिन जो और बातें थी उस पर दादी जी ध्यान देते थे, पूरा सभी भाइयों पर ध्यान देते थे। वस्त्रों की बात देने की बात थी तो वो दीदी देखती थी, तो जो घरेलू काम था अंदर का वो सब दीदी देखती थी, और जो बाहर का कारोबार था वो सब दादी देखती थी। तो कितना सुंदर दादी और दीदी का यह एक अनुभव हमने कितना समय किया, 1976 से लेकर 1983 तक, क्योंकि 1983 में दीदी जी लास्ट मधुबन से छुट्टी लेकर के बॉम्बे गए थे, और बॉम्बे में कैसे ऑपरेशन के दौरान कैसे उनका ये सब दीदी ने दीदी अव्यक्त हुए, ये तो बहुत लंबी कहानी है। लेकिन हमने देखा अंत के दिन, जिस दिन दीदी यहाँ से जा रहे थे, विदाई ले रहे थे, इतना सहज रूप से सबको इतनी दृष्टि दी, इतनी पावरफुल दृष्टि दी जो बात मत पूछो। कभी ये संकल्प भी आया कि दीदी अब जा रहे हैं, पता नहीं, क्योंकि छोटा सा ऑपरेशन कराने के लिए जा रहे थे, तो सोचा कि चलो जल्दी आ जाएगी वापस, लेकिन वापस नहीं आएगी ये तो सोचा नहीं था। पर ये भी एक ड्रामा था कि कैसे दीदी से हमने यहाँ जैसे दीदी को विदाई दी और दीदी गए, फिर तो वही अंतिम विदाई थी। तो हम देखते हैं बहुत भाग्यशाली है कि इन रत्नों की हमने पालना ली है। तो हम तो यही सोचते हैं कि जो पालना हमने दादी जी से ली, दीदी जी से ली, वो हम कैसे रिटर्न करें। बस इसी प्रकार से हम रिटर्न कर सकते हैं, जो उन्होंने श्रीमत दी, जो वो करते थे, हम उसी तरह उनका अनुसरण करके यज्ञ रक्षक बन करके, यज्ञ सेवक बन करके यज्ञ की सेवा करें। हम यही चाहेंगे और यही हम कर भी रहे हैं मधुबन में रहकर। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।